महाराजा छत्रसाल का संपूर्ण जीवन एक वीर योद्धा की कहानी है। 12 साल की उम्र से 82 साल की आयु तक 52 लड़ाइयां लड़कर अपने धर्म, संस्कृति और मातृभूमि के स्वाभिमान के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया वो सदियों तक इस देश के युवाओं को स्मरण रहेगा। ये बात आरएसएस के भालचंद्र नातू ने रविवार को महाराजा छत्रसाल की जयंती के अवसर पर मऊसाहनिया स्थित शौर्य पीठ पर कही। कार्यक्रम के दौरान महाराजा छत्रसाल की 52 फीट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई। महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान के द्वारा मऊसाहनिया के प्रतिमा स्थल महाराजा छत्रसाल शौर्य पीठ पर कोविड गाइडलाइन के तहत आयोजित किए गए उक्त कार्यक्रम में अनेक लोगों ने महाराजा छत्रसाल के जीवन को याद किया। इसके साथ ही महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान के फेसबुक पेज MCMRI पर शाम 6 बजे से एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन का आयोजन साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश, संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल रहे। कार्यक्रम में देश के जाने माने कवि योगेंद्र शर्मा, अनिल तेजस, श्रीराम भदावत, नम्रता जैन, गौरव चौहान शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विकास दवे ने की, जबकि संचालन कवि सुमित ओरछा के द्वारा किया गया। शौर्य पीठ पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान के अध्यक्ष भगवत शरण अग्रवाल, सचिव राकेश शुक्ला राधे, पूर्व मंत्री ललिता यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष मलखान सिंह, गोविंद सिंह बुंदेला, जयदेव सिंह बुंदेला, धीरेन्द्र शिवहरे, अनिल अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। महाराजा छत्रसाल की जयंती को विशेष बनाने और उनकी विरासत को नमन करने के उद्देश्य से छतरपुर निवासी नीलेश अग्रवाल, मोहक अग्रवाल, दिव्यांशी लोहिया, गिन्नी आर्या ने मऊसाहनिया के शौर्यपीठ स्थल के पीछे मौजूद पहाड़ों पर ट्रैकिंग की। उन्होंने कहा कि महाराजा छत्रसाल की विरासत हमारे लिए बहुमूल्य संपदा की तरह है। प्रकृति से परिपूर्ण ये क्षेत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जिससे लोग उनकी विरासत को समझने यहाँ पर आएं।